आप अहबाब की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में स्वागत है, खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में बेसिक उर्दू फॉर WBTET अपर प्राइमरी टेट द स्कूल सर्विस कमीशन, ये सब सवाल तमाम मुकाबला जाते इम्तहान के लिए अहम है, Part 3 लेकर हाजिर हुआ हूँ। आइए बिला ताखिर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला सवाल है, उर्दू का बागी शायर किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, अब जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मखदूम मईउद्दीन। सवाल नंबर 2 है, फ़ानी का पूरा नाम क्या है? शौकत अली खान। ऑप्शन नंबर 2 है मोहम्मद शौकत। ऑप्शन नंबर 3 अली सिकंदर। ऑप्शन नंबर 4 मोहम्मद यूसुफ। 5 सेकंड का वक्त दिया जाए, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, शौकत अली खान। सवाल नंबर 3 है, आयात विजदानी किसका शेरी मजमुआ है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, 2 यास यगाना चंगेजी का यह शेरी मजमुआ आयात विजदानी। सवाल नंबर 4 है, इस नज़्म में किसकी तसनीफ़ है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मीरा जी की यह तसनीफ़ है। सवाल नंबर 5 है, नज़ीर की नज़्म आदमी नामा किस हय्यत में है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मखमस। नज़ीर की नज़्म आदमी नामा मखमस की हय्यत में है। नज़ीर की जितनी भी नज़में हैं सब मखमस की हय्यत में है। सवाल नंबर 6 है, शाद अजीम आबादी का असल नाम क्या है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, सैयद अली मोहम्मद। सवाल नंबर 7 है, तन्हाई किसकी नज्म है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, फैज़ अहमद फैज़। सवाल नंबर 8 है, वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 9 है, मोमिन की गज़लों में कौन सी खसूसियत पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, नाजुक ख्याली। सवाल नंबर 10 है, मुसद्दस के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 6। यहाँ पर 6 छूट गया है, 6 मिसरे होते हैं मुसद्दस के एक बंद में, 6 मिसरे होते हैं। सवाल नंबर 11 है, मसव्विर गम किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अल्लामा राशिदुल खैरी को मसव्विर गम कहा जाता है। सवाल नंबर 12 है, इश्तराकियत का नकीब किस शायर को कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मखदूम मईउद्दीन। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने इस WBTET अपर प्राइमरी टेट और स्कूल सर्विस कमीशन के लिए Part 1, Part 2, Part 3 बना दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। शुक्रिया। इस तराकियत का नकीब किस शायर को कहा जाता है? तो मखदूम मईउद्दीन को। सवाल नंबर 13 है, मुसद्दस से हाली किसकी फरमाइश पर लिखी गई? मुसद्दस से हाली
जिसका पूरा नाम है मद्दोजजर इस्लाम, जो 1879 ईस्वी में लिखी गई। ये किसकी फरमाइश पर लिखी गई थी? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सर सैयद अहमद खान की फरमाइश पर लिखी गई थी। सवाल नंबर 14 है, जिंदानामा क्या है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, शेरी मजमुआ। ये फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ है, जेल की पैदावार है। उन्होंने जेल में ये शेरी मजमुआ लिखा था, जिंदानामा। फैज़ अहमद फैज़ के दो शेरी मजमुए जेल की पैदावार है, एक दस्ते सबा और दूसरा है जिंदानामा। सवाल नंबर 15 है, जदीद नज़्म के इर्तका में किस अंग्रेज अफसर ने अहम किरदार अदा किया है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, कर्नल हॉलराइट। जदीद नज़्म की बुनियाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हालिन ने डाली। अंजुमन पंजाब जो 1874 में उसकी बुनियाद डाली गई थी, 1865 में उसकी बुनियाद, 1874 में उन्होंने पहली नज़म लिख करके जदीद नज़म की बुनियाद डाली थी। सवाल नंबर 16 है, मुश अल जा किस शायर का शेरी मजमुआ है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मजरू सुल्तानपुरी का ये शेरी मजमुआ है, मुश अले जा। सवाल नंबर 17 है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद किसके शागिर्द थे? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद किसके शागिर्द थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ज़ौक दहलवी के वो शागिर्द थे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद मौलवी मोहम्मद बाकिर जो थे वो ज़ौक दहलवी के दोस्त भी थे, इसी मुनासिबत के वो ज़ौक के शागिर्द थे। सवाल नंबर 18 है, शायरे बे दिमाग किसे करार दिया गया है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मीर तकी मीर को। सवाल नंबर 19 है, आदमी नामा किस शायर की नज़्म है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है जो मखमस कैयत में है। सवाल नंबर 20 है, तोतैये हिंद किस शायर का लकब था? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। इसका सही जवाब होगा अमीर खुसरो। तोतिये हिंद अमीर खुसरो का लकब था। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए जा दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को।